वीनू जैसे भी नहीं खुदाई रही है क्या? जबरदस्त है कंफर्ट लेवल। वेलकम बैक टू द पीसीबी व्लॉग्स और पीसीबी व्लॉग्स के एक और नए वीडियो में आप सभी का हमेशा की तरह स्वागत है गाइस। देख सकते हो तैयार है और अभी मैंने जूते नहीं पहने, मुझे जूते पहनने बाकी हैं, बाकी फुल तैयार हूँ, अभी जा रहा हूँ बाहर। अब वैसे तो वीडियो के टाइटल से पता पड़ ही गया होगा कि कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि भाई बाइक जो है ना वो मैं नहीं ले रहा हूँ, मेरे मौसी का लड़का मेरे भाई है तो वो ले रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि आप भी साथ में चलो, तो मैं उनके साथ में जा रहा हूँ बाइक की डिलीवरी लेने के लिए। तो ये मैंने पहले ही मेंशन कर दिया क्योंकि हो सकता है टाइटल कुछ ऐसा हो, टेकिंग डिलीवरी ऑफ न्यू रॉयल एनफील्ड ऐसा करके कुछ हो सकता है, तो मैंने ये चीज़ स्टार्टिंग में ही बता दी। तो अब वो आने वाले हैं, फटाफट से जूते पहन लेता हूँ। आपकी तो लेनी पड़ेगी अमरूद खाते हुए। तो भाई रूबी मौसी आ गई है और भाई तो बाहर बैठे हैं गाड़ी के अंदर। हाँ तो भाई ये बैठे दोनों के दोनों गाड़ी के अंदर। हाँ क्या कह रहे हो? इसी को चलानी है। विनू तेरे को बाइक लाऊंगा उस समय बता ही दे देना। नहीं मैं उस समय ले लूंगा। तो भाई गाड़ी में बैठ चुके हैं और हम निकल रहे हैं। विनू जैसे भी नहीं खुदाई रही है क्या? क्या भाई किसको डर लग रहा है? गाड़ी आगे चल रही है लेकिन इसने चलते चलते एक रिवर्स गियर लगाया। नहीं नहीं बच्चे नहीं मारा, इसने रिवर्स गियर लगा दिया। रिवर्स गियर लगाना होता है गियर बीच में। अच्छा गियर भाई नहीं नहीं रिवर्स नहीं, गियर अटक गया था सर। वो कई बार नहीं लगता है ना, ऐसा लगा हमें रिवर्स गियर लग गया। रिवर्स लगता था कैसा होता ना, सबकी गाड़ी आगे जा रही है उस लेन में, अपन पीछे जा रहे हैं, मजा आ जाता। इतना क्यों सोचा, मुस्कुराया। एल का मतलब लाभ भी हो सकता है क्या? पता तुमने सोचा और मुस्कुराया पहले तू। बहुत कुछ हो सकता है, सही है। आज तक समझ नहीं आता मेरे साथ, आपने शायद कई बार देखा होगा। हाँ विनू के साथ जो बैठता है वो दिल जिगर सब हाथ में लेके बैठता है। नहीं लेकिन नहीं रूबी मौसी अभी है ना, गलती उसकी थी, इसकी नहीं थी। अगर उसको उधर मुड़ना था ना तो वो पूरे पहले इधर आया फिर मुड़ा इसके सामने से। ये तो भाई की स्किल्स है कि ब्रेक पे पाँव आ गया समय पे। अभी ना वो सामने खड़ी आ रही है, भाई खड़ी होकर देख रही है, वो तेरे को देख रही थी भाई। Who is this dashing young man? अरे क्या यंग डैशिंग अब तो तुम वापस रॉयल एनफील्ड पे आना, इसी को लिफ्ट दे दो ना। अरे क्या इसको हम गाड़ी में आ जाएंगे। नहीं रखना चाहिए मुझे, देखा जाए तो कुछ भी हो सकता है। भाई ठीक है भाई, उसके भी सामने कोई हॉर्न देखे वो क्या उड़ जाएंगे अपन तो ऊपर से। भाई यार गोंडा है तुम, रॉयल एनफील्ड को कौन से गियर में चलाएगा? क्या कह रहा है कि पांच गियर है, किसी में भी चला लेंगे। I put on work, no fly to mirror. They want me to lose, but I can't. Mama shed like a thousand tears. I can't do that shit to waste. I pull up in Mercedes next. भाई पहुंच गए हैं, ये रहा शोरूम, बस थोड़ा घुमा के आना पड़ेगा वापस। आ गए शोरूम के बाहर, अब चलते हैं अंदर। Yeah, you can see me pull up in the race. All I know about hard, mama told me, boy, make sure you tie up your lace. Hey, when I was down bad, boy, I got on my knees, I started to pray. Now I'm breaking bread with my young Betty Wiz, you was a part of gang. इधर आओ, इधर इधर आओ, इधर आओ। कहाँ अंदर कहाँ जा रहे हो? अंदर कहाँ जा रहे हो? शोरूम के अंदर जा रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ, मेरी बात सुन लो, फिर अंदर ही चल रहे हैं। बाइक चलाना पसंद है ना, बाहर घूमना भी पसंद है ना, लेकिन हेलमेट लगाना भी जरूरी है, ठीक है? हेलमेट लगाते हैं कई लोग ना, ऊपर वो क्या कहते हैं भाई, सर पे उसको बांध के ऊपर, उसके ऊपर भी हेलमेट लगाते हैं तो चेहरे पे पसीना वसीना आता है ना, पसीना आता है, एक्सेस ऑयल हो जाता है, या फिर डेड स्किन जब आपके चेहरे पे होती है तो फिर बताऊं क्या होता है, पूछो क्या होता है।
आपकी स्किन के पोर्स बंद हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है मैं बताऊंगा ना, एक्ने हो जाता है। तो भाई अब लौंडे लौंडे लगोगे, लौंडी बाइक पे निकलोगे हैं और जैसे हेलमेट उतारोगे और मुंह पे एक्ने कैसे लगोगे, लगोगे ना खराब, लेकिन तुम्हें मैं खराब लगने ही दूंगा क्योंकि तुम्हारा भाई कमाल का प्रोडक्ट लेके आया, एक्ने करके साफ कर देगा तुम्हारे चेहरे से। ये है मार्स बाय जीएसए का एंटी एक्ने जेल, जो कि तुम्हारे चेहरे पे या स्किन पे एक्ने है ना भाई, तो ये जड़ से मिटा देगा। इसके अंदर देख लो भाई, नियासिनामाइड है, सैलिसाइक्लिक एसिड है, ग्लाइकोलिक एसिड है, जिंक पीसी है और एलोवेरा तो तुम लोग जानते ही हो। अर्जुन भाई नाम तो बहुत धांसू लग रहे हैं, लेकिन ये सब चीजें करती क्या है, मुझे पता है तुम लोगों को नहीं पता, फिर मैं किस लिए बैठा हूं, मैं ही तो बताऊंगा, सुनो भाई। सबसे पहले है ग्लाइकोलिक एसिड, तो ये जो है वो एक्सफोलिएट करता है स्किन को, यानी कि जितने भी तुम्हारे जो डेड स्किन होती है ना उसको हटा देता है। दूसरे नंबर में आता है सैलिसाइक्लिक एसिड, ये आपकी स्किन के अंदर बिल्कुल डीप जाके जितने भी पोर्स जो बंद होते हैं ना उनको खोल देता है। फिर आता है नियासिनामाइड, ये रेगुलेट करता है ऑयल को आपकी स्किन। भाई चौथे नंबर पे है जिंक पीसीए, जो तुम्हारे एक्ने के ऊपर वो जो लाल लाल निशान हो जाते हैं रेडनेस, उसको तो रिड्यूस कर ही देता है और एक्ने को फटाफट से ठीक भी कर देता है। अब मुझे पता है तुम्हारा अगला सवाल क्या है, हम ले तो लेंगे लगाएं कैसे, है ना, मैं बताता हूँ। पहले अपना मुंह अच्छे से धो लेना, गंदे मुंह पे मत लगाना शुरू कर देना, फिर जहां पे एक्ने है वहां पे जेल लेना, थोड़ा थोड़ा सा वहां पे रब करना, तब तक हल्के हल्के से करना जब तक ये एब्जॉर्ब नहीं हो जाए, दिन में 2-3 बार लगाना, 3-4 हफ्तों में एक्ने चुटकी बजा के गायब हो जाएगा, लेकिन थोड़ा नियमित रहना भाई, ठीक है। अब तुम सोच रहे होगे भाई सारी खूबियां बता दी, एक्ने भी हट जाएगा और कैसे लगाना है वो भी बता दिया, अब वो सवाल नहीं, फिर पूछ रहे हो तुम कहां से खरीदें। भाई लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, कहां दूंगा लिंक बताओ, एक एक को व्हाट्सएप थोड़ी करूंगा, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, फटाफट से जाओ ये खरीदो, एक्ने चुटकियों में गायब हो जाएगा। ऑलमोस्ट टीनेजर्स की तो ये मेन प्रॉब्लम होती है एक्ने की, या फिर किसी की भी कई स्किन होती है जो कि मतलब फटाफट से एक्ने हो जाता है, उन लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा काम का है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाओ फटाफट से खरीदो और अब चलो जाओ, चलो घुस जाओ शोरूम के अंदर जाओ। आ गए शोरूम के अंदर और अंदर आते ही मतलब क्या चमाचम लग रहा है, बीच में रेड वाली तो बहुत सेक्सी लग रही है भाई, बिल्कुल लाइट के नीचे खड़ी हुई है। तो भाई सामने अंदर खड़ी हुई बाइक चल के देखते हैं, तो यहाँ खड़ी है, बाहर निकलेगी जब देखेंगे यहाँ पे कलर इतना समझ नहीं आएगा, इसका भी कलर मतलब बिल्कुल विनु प्रतिज्ञा ले, पीछे बढ़, प्रतिज्ञा ले कि तो ओवर स्पीड से वाहन नहीं चलाएगा, प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी वो देख। और पैदल यात्री का सुरक्षा का पालन करूंगा। कह दे सेलेमोन भाई जैसे नहीं चलाऊंगा। और हेलमेट तो हमेशा पहनेगा, ड्रिंक एंड ड्राइव तो मतलब ही नहीं है। मैं हेलमेट तो भी लेके आया ना कार में, अरे वो देंगे ना हेलमेट, अरे एक तो देंगे, सुन सीट बेल्ट पहन के चलाएगा तो। देख बल प्रतिज्ञा ले ली है तूने, तू जाने वो वाली जो सामने जो खड़ी है ना क्लासिक सिंगल सीटर वाली, इसको देख के क्या लगता है तेरे को, फॉरएवर सिंगल है, सख्त लौंडों की बाइक है ये, पीछे कोई सीट नहीं है। थोड़ा सा लेग गार्ड में चेंज किया है ना, पहले क्या कि स्ट्रेट वाला था और अब तीन स्ट्रिप्स वाला, अभी मैं दिखाता हूँ शॉर्ट में, उससे क्या कि पाँव की सेफ्टी बनी रहेगी, नहीं तो वो सिंगल वाले में तो क्या था कि भाई बाइक की सेफ्टी रहती, तो अभी बताता हूँ जो अब ऑप्ट किए हैं ना वो कौन सा वाला है। तो भाई अभी जो लेग गार्ड है ना, अब ये वाला चूज़ किया है, ये वाला, इसमें क्या होगा कि मान लो अगर कोई गाड़ी भी साइड से या कहीं से आती है तो पाँव की भी सुरक्षा हो जाएगी और गाड़ी तो बची जाएगी। पहले जो था वो सिंगल वाला था, वो था ये वाला, ये वाला, इसमें क्या कि पाँव की सेफ्टी कम थी इसलिए अब ये लगवा रहे हैं। सही कह रहा हूँ विनो, तेरे पाँव की सेफ्टी चाहिए ना तेरे को, हाँ चाहिए ना। गाइस अभी आए हैं क्या वो वाली गाड़ी में, तो अभी क्या टाइम लग रहा है, एसेसरीज वगैरह लग रही है, तो हम क्या है कि वही गाड़ी दूसरी वाली मतलब मीटियोर, उसको क्या है कि टेस्ट ड्राइव करने के लिए जा रहे हैं एक बार फिर से, मतलब इसमें कर रखी है मैंने नहीं कर रखी, फिर से जा रहे हैं। अब बाकी एक डिटेल्ड वीडियो तो जब बाइक आ जाएगी ना अपने पास तब बनाएंगे। Okay, my timing is critical.
कि सोफे पे बैठा हूँ मैं, जबरदस्त है कंफर्ट लेवल। तो भाई अब चला रहा है विनू, और भाई देखो हम भले ही पास में चला रहे हैं लेकिन हेलमेट हेलमेट आप लोग भी भाई पहन के चलाना। बैठ जाऊं विन सा, थोड़ा सा आराम से है ना। My rhyming is pivotal. Homie, the dash is digital. Gas residual. Firing smoke like I'm needing a ritual. You bet my cash is on. I hit the gas, I'm gone. Riding my wave. I've been here stuck in my zone. I bet I blast them all. Sliding on faith. I've been here finding my ways. Grinding for days. I've been out shining the hate. All of y'all wanted for praise. Stuck in a phase. Later than turning a blaze. Yeah, homie, you don't want to race. Nah, better to stick to your place. Yeah, want it all. I got a taste. You push on the pedal. Now I got to skate. Yeah, all I ever know. Put me on this throne. Pit. वो बताओ अपन का भी देख रहा होगा, चार पांच बार में निकल गया वहां से। वो भी यही कह रहा होगा कि ना सालों का ना पेट्रोल का पैसा भी जोड़ बिल के अंदर। तो भाई बाइक तैयार होके आ गई है और ये है जो बाइक लेके जाने वाला है, और विनू अभी हेलमेट वेलमेट लगा के बैठेगा। और भाई हमारे लौंडा बैठ गया अब। ऑलराइट गाइस, तो अब आ चुके हैं घर पे। तो अब ये लोग आए हैं घर पे मम्मी को भी दिखाने के लिए बाइक। क्या मम्मी कैसी लगी आपको बाइक? अच्छी है। अच्छी है। आपको? अब शानदार है ना, इसका कंफर्ट लेवल जो है ना इस सीट का बहुत अच्छा है। और बाकी कलर कैसा लगा आपको ये? सही है ना, कलर थोड़ा डिफरेंट है, मतलब दूर से देखो ना अंधेरे में तो ब्लैक लगता है लेकिन है डार्क ब्लू। हेलमेट क्यों उतार लिया? कैमरे के लिए हेलमेट उतार लिया। कुछ कहना चाहता है तू? कैसा लग रहा है नई बाइक लेके? मस्त एकदम है, चला लिए है ना। और वो जो लौंडा जो बुक करवा के गया वो तो अभी बाहर ही है, जिसका छोटा भाई है जो, वो आएगा देहरादून पड़ता है वो, तो वापस आएगा तब चलाएगा वो। बुकिंग कराने वो गया है और लेके अपन लोग आए। Go, what you know, what you on, push it and I zoom, sonic booms, fill the room, run it till the tomb, with my goons, smell the fumes, y'all know what it do, with the crew, when we coming through, y'all know better move, make it fast, ain't no second chance, coming for your ass, turn to ash, burning rubber now.